चलिए बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। बेटा, आज की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग जो है ऑनलाइन आ जाओ बेटा, पढ़ाई स्टार्ट करें हम लोग। जिन लोगों का चलना रहा हो थोड़ा सा बैक करके आप लोग री ओपन कर लो, रिस्टार्ट कर लो, आपका स्टार्ट हो जाएगा। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ऐसा घुमाए हैं इसको, तार को देख रहे। चलिए भाई, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। बैक करके ओपन करो भाई, फटाफट ओपन करो, फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर दें। चलो भाई, चलिए भैया, ओके। राम जी यादव बेटा, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। गुड इवनिंग भाई सर्वेश यादव जी, गुड इवनिंग। चलो फिर आज की क्लास की शुरुआत करें हम लोग बेटा। और हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़े हुए थे इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। आ जाओ आप लोग, जुड़ जाओ भाई। सर्वेश यादव, राम जी अभी जुड़े हुए हैं बेटा हम लोगों के साथ। और भी लोग आप लोग जुड़ो जल्दी से जल्दी, फिर क्लास आज की स्टार्ट कर दें हम लोग। चलो भाई आ जाओ। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र। ध्यान से देखते चलिएगा। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम सिस्टम, क्लियर। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप एक पॉइंट समझिएगा ड्रेनेज सिस्टम से बारे में। चलिए भाई, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपवाह क्या है, ड्रेनेज किसे कहते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज, और साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या होता है आपका ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं। दोनों हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो एक एक करके अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपवाह किसे कहते हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को। इसके बाद भारत की नदी आपका मुख हो जाएगा। सबसे पहले आपके बारे में हम लोग समझेंगे अपवाह किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो आपकी नदियाँ होती हैं, जो आपकी नदियाँ होती हैं, उसमें आपके जल प्रवाहित होते हैं। नदियों में जल ही प्रवाहित होंगे और कुछ हो नहीं सकता। तो जो आपके जल प्रवाहित होते हैं बेटा, उनमें से आपके इनका कुछ एक निश्चित जलमार्ग होता है, क्लियर, जिसके माध्यम से बहती हैं। तो नदियों में उपस्थित जो आपका जल है, वो जो आपके एक निश्चित जलमार्ग से प्रवाहित होती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अपवाह। क्या बोलते हैं? अपवाह। लेकिन अगर उनकी कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियों को अगर हम लोग मिला दें, तो बेटा उसको बोला जाता है आपका अपवाह तंत्र। तो यहाँ पर एक सिंपल सी परिभाषा है। गुड इवनिंग भाई अजय कुमार जी, सर बहुत जच रहे हैं आज, क्या बात है। नहीं बेटा, बात कुछ नहीं है, सब नॉर्मल ही है। माधुरी मौर्य जी, गुड इवनिंग भाई। चलो क्लास स्टार्ट करें बेटा, आप लोग बहुत लेट आज जुड़ गए हो। चलो आज की क्लास स्टार्ट करें ताकि हम लोग सिलेबस को ख़त्म कर सकें। देखिएगा, जब जब नदियों का जल, नदियों के जल का बहाव
जल का बहाव, जल का बहाव किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित जलमार्ग के माध्यम से होता है, तो उसे अपवाह कहते हैं, क्लियर है। दूसरी खासियत, अपवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं, ये भी आपके एक लाइन में लिख लीजिएगा। अपवाह तंत्र क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, एक आपका ड्रेनेज है, एक आपका ड्रेनेज सिस्टम है, क्लियर है। चलिए भाई ध्यान से देखते चलिएगा। ओके भाई अंकेश यादव जी, जय हिंद भाई। अखिलेश कुमार जी, जय हिंद बेटा। चलिए देखिएगा, अपवाह तंत्र किसे कहेंगे, तो अपवाह तंत्र याद रखे रहेगा कि अपवाह तंत्र और उनकी सहायक नदियों, के जाल को, अपवाह तंत्र कहते हैं, क्लियर है। दूसरा एक पॉइंट और आता है आपका, जैसे पूछ लेता है नदी द्रोणी किसे कहते हैं या अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखे रहेगा, ध्यान से देखिएगा। अपवाह सॉरी बेटा, अपवाह द्रोणी किसे कहेंगे, इसको भी आप समझिएगा। अपवाह द्रोणी की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण है, याद रखे रहेगा। जैसे कोई भी अगर आपकी नदी है, ध्यान से देखो, अपवाह पहले पढ़ाए थे, अगर मान लो आपकी गंगा नदी है, अगर ये आपकी गंगा नदी है बेटा, एक मिनट, ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपकी कोई गंगा नदी है, ध्यान से देखिएगा, तो बेटा इस नदी के अंदर अगर ये आपकी गंगा नदी है, मैंने मान लिया कि ये आपकी गंगा नदी है, तो इस गंगा नदी में आपके जल होंगे, नदी है भाई तो जल ही होगा, आग तो होगा नहीं, पानी ही तो होगा। अब ये जो आपका जल है वो एक आपका निश्चित मार्ग से ही तो प्रवाहित हो रहा है, भले वो टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन जो जल प्रवाहित होगा वो एक निश्चित मार्ग से ही हो रहा होगा। अगर किसी नदी का जल एक निश्चित मार्ग के द्वारा, एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं, क्लियर है। या जो आपका ये बेटा गंगा नदी है, इसमें जो जल है, ये एक निश्चित मार्ग से इसका बहाव होगा, एक निश्चित मार्ग से आगे बढ़ेंगी, वो आपका क्या होगा, अपवाह होगा। कोई जरूरी नहीं कि गंगा हो, यमुना भी हो, ऐसी भी होगी तो भी बेटा इसमें जो जल होगा एक निश्चित मार्ग से ही तो आपका प्रवाहित होगा। चाहे वो गंगा ले लो, यमुना ले लो, कोई भी नदी आप ले लो, उसमें जो आपके जल होंगे वो निश्चित मार्ग में ही तो आपके प्रवाहित होंगे। अगर वो एक निश्चित मार्ग में उसका बहाव है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा अपवाह, क्लियर, अपवाह नहीं है, अपवाह है, ड्रेनेज बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा, दूसरी खासियत, अगर कोई आपकी मुख्य सहायक नदी है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपकी एक नदी है, इसमें आकर के आपकी यमुना मिल रही है, इधर से रामगंगा है, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, इधर सोन है, सब एक मुख्य नदी है, गंगा आपकी मुख्य नदी है, बाकी इसमें आपकी जो रामगंगा हो गई, इधर आपकी यमुना नदी हो गई, इधर आपकी जो है घाघरा हो गई है, इधर आपकी गंडक हो गई है, इधर आपकी कोसी हो गई है, तो गंगा तो आपकी एक मुख्य नदी है, बाकी इसमें जो नदियां आपकी जुड़ी हैं ये सब आपकी सहायक नदी हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे अपवाह तंत्र किसे बोलेंगे, अपवाह तंत्र में क्या होता है कि, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिए, ऐसा लिखना चाहिए था, अपवाह तंत्र में मुख्य नदी और उनकी सहायक नदी, और उनकी सहायक नदियों के जाल को हम लोग क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने कहा एक बेटा आपकी मुख्य नदी, अपवाह तंत्र में दो चीज़ पकड़ना है आपको,
एक मुख्य नदी होनी चाहिए। मान लिया हमने गंगा आपकी क्या है, एक मुख्य नदी वैसे भी है, और उनकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सब उनकी सहायक नदियाँ होगी। इनका जो आपका ये जाल बन रहा है, इसी जाल को हम लोग बोलते हैं अपवाह तंत्र बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। अब बात आती है अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, अपवाह द्रोणी किसे कहेंगे, तो जो आपकी बेटा मुख्य नदी है और जो आपकी उनकी सहायक नदी है, उसके द्वारा जो आपका अपवाहित क्षेत्र होता है उसी को अपवाह द्रोणी कहते हैं। इसको आप देखिएगा, मुख्य नदी और उनकी सहायक नदी, उनकी सहायक नदी के अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्लियर, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अपवाह द्रोणी की बात करें तो अपवाह द्रोणी क्या होता है, इसको भी आप देखिएगा। जो लोग लेट में हैं उनको भी गुड इवनिंग भाई, आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, पढ़ाई करते चलिएगा। अपवाह द्रोणी के बारे में हम लोग समझते हैं। लिखा है आपका मुख्य नदी हो या उनकी सहायक नदियां हो, इनके अपवाहित क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे मान लो द्रोणी बोलोगे, मान लो आपकी गंगा नदी है, तो बेटा ये गंगा नदी का कोई ना कोई तो अपना एक क्षेत्र होगा जहाँ तक ये गंगा नदी बहती होगी, इसका एक अपवाहित क्षेत्र होगा। अपवाहित क्षेत्र का मतलब ये है कि भैया अगर बाढ़ आ रहा होगा तो इसका क्षेत्र आपका बढ़ जाएगा, गंगा का क्षेत्र बढ़ जाएगा, फिर बाढ़ कम होगा, फिर अपने मूल स्थान पे आ जाएंगी। तो जो आपका मैक्सिमम बाढ़ का स्थिति था और न्यूनतम बाढ़ की स्थिति है, पूरे क्षेत्र को अगर हम कवर कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका अपवाह द्रोणी कहलाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल अपवाह द्रोणी मुख्य नदी का होगा, मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर ये आपकी एक नदी है गंगा, इसमें आपकी मिल रही है रामगंगा, इसमें मिल रही है घाघरा, इसमें मिल रही है कोसी, इसमें बहुत सारी नदियां हैं, तो इसमें खासियत क्या है कि भैया यहाँ का भी तो क्षेत्र होगा। ये आपकी अगर है यमुना, ये भी तो इसका अपना एक निश्चित क्षेत्र होगा। क्लियर, तो ये जो निश्चित क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर, ये निश्चित क्षेत्र आपका अपवाहित द्रोणी के रूप में जाना जाता है। मुख्य नदी का भी अपना एक अपवाहित द्रोणी होगा, सहायक नदियों का भी अपना एक अपवाहित द्रोणी होगा। जितने क्षेत्रों में ये फैली होती हैं उन क्षेत्रों को हम लोग अपवाह श्रेणी कहते हैं। जितने क्षेत्रों को ये कवर करती है, कोई नदी जब बहती है जितने क्षेत्रों को ये कवर करती है उसको हम लोग अपवाहित द्रोणी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, सर ऑफलाइन क्लास चली थी या नहीं? नहीं बेटा, ऑफलाइन अभी नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। क्लियर, रजिस्ट्रेशन चाहो तो आप करा सकते हो। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़े। एक एक शब्द को आप लोग समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं, नदी से रिलेटेड हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आपके पेपर में आने लायक है वो ये सब तो नहीं देता, लेकिन ये थोड़ा बहुत आपको क्षेत्र याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जब कभी भी बेटा हम लोग भारत की नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, बेटा दिवांग पांडे जी, अब ये क्लास बेटा देखो अब कब से चलेगी, कल से है संभावनाएं, अगर क्लास चलना ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, अगर स्टूडेंट आ जाते हैं तो क्लास चल जाती है। क्लियर, लेकिन ये है कि कल से शुरुआत है आपकी, रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रारंभ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन चाहो तो आप करा सकते हो और क्लास आपकी स्टार्ट हो ही चुकी है। कल से अपना बैच वैच जो है लॉन्च वगैरह होगा, परेशान आप मत होइएगा, कल से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ऑफलाइन क्लास जो है कल से आपका स्टार्ट है बेटा, ध्यान में रखे रहिएगा। ओके, चलिए भाई अब आते हैं हम लोग भारत की नदियों के बारे में। थोड़ा सा हमने बेसिक आपको बताया है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट उसी पे आते हैं, फर्जी की बात नहीं करेंगे हम लोग। भारत की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख नदियाँ देखिएगा,
कभी भी बेटा अगर आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ना हो तो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसको हम पढ़ते जब हैं तो हम लोग कई भाग में विभाजित करके पढ़ते हैं ताकि आसान हो जाए पढ़ाई। और क्या, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले जब हम नदी को पढ़ते हैं बेटा तो हम लोग पढ़ते क्या हैं, एक पढ़ेंगे हम लोग उत्तर भारत की नदी, उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ, क्लियर। और दूसरा पढ़ेंगे बेटा हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, विभाजन आपको आना चाहिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, क्लियर है। अब बेटा जब आप उत्तर भारत की नदी पढ़ोगे तो उत्तर भारत की नदियों को हम लोग तीन भाग में पढ़ेंगे। अच्छा, उत्तर भारत की नदियाँ आपकी निकलती कहाँ से हैं, तो आप कहोगे सर उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो सब आपकी हिमालय के क्षेत्र से ही निकलती हैं, क्लियर। तो उत्तर भारत में आपकी हिमालयी नदियाँ आपकी मुख्य रूप से हैं, लेकिन उत्तर भारत में याद रखना है आपको कि उत्तर भारत की जब नदियाँ पढ़ते हैं तो याद रखना हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंधु नदी तंत्र, तीन तंत्र पढ़ते हैं हम लोग, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। देखो बेटा, सिंधु मुख्य नदी है और सिंधु की सहायक नदियों को मिला लेंगे तो आपका तंत्र बन जाता है। हमने कहा है कि अगर कोई एक या मुख्य नदी अगर प्रवाहित हो रही है तो उसके साथ जुड़ने वाले जितने भी आपकी सहायक नदियां हैं उनको मिला दिया जाए तो तंत्र बन जाता है। लिखा है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु एक मुख्य नदी है और सिंधु नदियों की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी नदियों को अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर भारत में आपकी तीन नदियाँ मुख्य हैं, एक सिंधु नदी तंत्र है और एक आपकी गंगा नदी तंत्र है, क्लियर, और एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीन नदियों को हम लोग क्लियरिटी से पढ़ेंगे, एक एक नदियों को आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रायद्वीप भारत की बात करें तो प्रायद्वीप भारत बेटा आपका दक्षिण भारत की नदियाँ होंगी, और दक्षिण भारत की अगर आपकी नदियाँ होंगी तो दक्षिण भारत की नदियों को हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं। कैसे पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियों को, इसको आप पहले ध्यान से समझिएगा। दक्षिण भारत की नदियों को हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार से, इसको आप समझिएगा, इसको हम दो भाग में पढ़ते हैं। कुछ नदियाँ बेटा आपकी ऐसी हैं, देखिएगा, अगर ये आपका दक्षिण भारत की नदियाँ हैं तो आप देखते होंगे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये नदियाँ जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ प्रायद्वीप भारत की हैं जो आकर के आपकी अरब सागर में गिरती हैं, क्लियर। जैसे आगे आपको बताएंगे पेरियार हो गई आपकी, फिर इधर आपका जो है ये नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई, साबरमती हो गई, कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस हिसाब से हम दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रायद्वीप भारत की नदियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नदियाँ आपकी होंगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, क्लियर। और कुछ नदियाँ ऐसी हम लोग पढ़ेंगे जो अरब सागर में गिरेंगी, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, क्लियर। ये तीन भाग में हमने विभाजित कर दिया। भारत की जो प्रमुख नदियां हैं बेटा इसी प्रकार से हम लोग विभाजित करके पढ़ते हैं। विभाजन है ये आपका नदियों का बेटा, 7 बजे से चलता है सुबह में, UPSI वाला कब से चलेगा बेटा, अजय कुमार जी चलेगा बेटा, बहुत जल्दी चलेगा, परेशान मत होइएगा, ऑफलाइन भी चलेगा, कल से स्टार्ट है, आइए आप लोग, स्वागत है, और रजिस्ट्रेशन कराइए, क्लास बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके भाई, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग समझते हुए चलिएगा। ओके, पढ़ जाए आगे, चलिए भाई ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। बढ़े आगे, कितने बजे से चलेगा सर? बेटा 7 बजे से आपका कोचिंग खुल जाती है, आप जब चाहो तब आकर के आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऑनलाइन अभी ध्यान दो, ऑफलाइन जब चलेगा ना कल से, क्लियर है? ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये विभाजन था। अब एक एक नदी तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, अब एक एक पॉइंट आप लोग डालते चलिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा, एक एक हेडिंग पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर आपके पेपर में आए तो आपको कोई समस्या ना हो। क्लियर है? चलिए ध्यान से, जो ऐप पर करवाए हैं रजिस्ट्रेशन, ऐप वाला बेटा अलग है, ऐप का रजिस्ट्रेशन में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप घर पे बैठ करके पढ़ रहे हो। जब इसमें रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है, आओगे अपना नाम लिखोगे, सब कुछ लिखोगे, अपना पता लिखोगे। क्लियर? तो ये कुछ है कंडीशन, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र, एक एक तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, एक एक तंत्र को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है? देवांग पांडे जी, हाँ बेटा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। यूपीपी की वैसे भी अभी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन स्टार्ट वहीं से होगा, परेशान ना हो, पहले बैच बनने दो। अभी बच्चे आएंगे, बैच बनेगा, तब फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलो हेडिंग डाल लो आप लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में। क्लियर? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, पढ़ाई करते रहो मस्त से। पढ़ाई तो इसे आपको मिल ही रही है यार, घर पे बैठ बैठ के पढ़ रहे हो। चलो ध्यान से देखो, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेटा कौन सी नदी तंत्र है हमारी। सबसे पहले हम लोग एक एक नदियों को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आपकी नदी होगी वो बेटा होगी आपकी सिंधु नदी। कौन सी नदी होगी? सिंधु नदी। इसका पहले हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, ध्यान से समझते रहिएगा। मैप वगैरह बनाते हुए चलिएगा आप लोग। देखो सिंधु नदी तंत्र है बेटा ये आपका। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं किस नदी के बारे में बेटा, तो याद रखे रहिएगा सिंधु नदी के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। और याद रखना है आपको कि इस नदी का उद्गम स्थल गिरती कहाँ पे है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। एक एक पहले पहले आप समझते हुए चलिएगा। पहले हम लोग मैप बनाते हुए चल रहे हैं, मैप बनाएंगे, मैप के बाद से फिर इसका एक एक फैक्ट आपको लिखाते चलेंगे। एक एक फैक्ट जब आप लिखोगे तो यहाँ पर ध्यान में रखना, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। क्लियर? समस्या का मतलब ये है आपका कि मैपिंग भी करो, लिखते भी रहो, क्योंकि ये मैप से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा सिंधु नदी के बेटा अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले याद रखे रहेगा, एक हमने आपको पर्वत पढ़ाया था, उस पर्वत का नाम था आपका कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में याद रखना है आपको, इसी कैलाश पर्वत के निकट आपका एक झील है, और उस झील का नाम है बेटा आपका मानसरोवर झील। क्या नाम है आपका? मानसरोवर झील नाम है। ध्यान से सुनते चलिएगा, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ध्यान से देखते चलिएगा। ये जो आपकी झील है बेटा, ये आपका कैलाश पर्वत पर ही है, मानसरोवर झील। क्लियर है? और याद रखना है ये तिब्बत में है, मानसरोवर झील भारत में नहीं है। कहाँ पे है बेटा? ये तिब्बत में है। और तिब्बत में एक स्थान है, जैसे अगर हम आपसे कहें बेटा कि कोई भी आपका ग्लेशियर ले लें, जैसे हम कहते हैं गंगोत्री, तो आप कहते हो सर ये उत्तरकाशी जिले में है, उत्तराखंड में, मतलब किसी न किसी स्थान पर है, भारत के किसी न किसी क्षेत्र में है। क्लियर? ऐसे ही याद रखना कि मानसरोवर झील तिब्बत का पार्ट है, भारत का है नहीं। तो वो जिस स्थान पे है उसको हम लोग कहते हैं बोखरचू। क्या नाम है बेटा? बोखरचू। ये बोखरचू जो आपका नाम लिखा हुआ है, ये याद रखना, बोखरचू आपका बेटा एक प्रकार का ये क्षेत्र के है, स्थान का नाम है। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, तो याद रखना आप लोग कि ये बेटा आपका जो स्थान है ये स्थित है बोखरचू। बोखरचू एक स्थान है, चाइना के अधीनता में है, तो ये आपका बोखरचू नाम का एक स्थान है। एक एक पॉइंट को आप समझिएगा।
इसके बाद मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद ये नदी बेटा पहले कुछ दूर आपके तिब्बत में प्रवाहित होती है और तिब्बत में प्रवाहित तो होती है और प्रवाहित तो होने के बाद ये नदी आपकी आती है जम्मू कश्मीर में। लेकिन बात ये आ जाती है कि जब ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर प्रवेश करेगी ये ध्यान से समझिएगा। तो जम्मू कश्मीर में बेटा एक स्थान है आपका दमचौक, दमचौक नाम से ये आपकी सॉरी दमचौक नामक एक स्थान है और इस स्थान से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद ये जम्मू कश्मीर से हो करके ये आगे बढ़ती है और ये पाकिस्तान में, याद रखना कि ये भारत के जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसके बाद ये पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में ये जहाँ पर प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है बेटा चिल्लड़। चिल्लड़ एक स्थान है पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में चिल्लड़ नामक स्थान में ये प्रवेश करती है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये नदी जाती है और अरब सागर में ये नदी बेटा आपकी गिर जाती है। क्लियर है? इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझे रहिएगा। कभी भी पूछता है आपका, ये आपका एक स्थान है जैसे वहाँ पे दमचौक में प्रवेश की थी और यहाँ से जब ये भाग निकलती है भारत से तो एक स्थान है आपका चिल्लड़। चिल्लड़ स्थान आप याद रखे रहेगा। पाकिस्तान में एक स्थान है आपका ददरिस्तान। क्या नाम है? ददरिस्तान। कहाँ पे है बेटा ये आपका? ये पाकिस्तान में है ददरिस्तान। ददरिस्तान में एक छोटा सा आपका स्थल है, उस स्थल को हम लोग बोलते हैं चिल्लड़ और उसी चिल्लड़ नामक स्थल से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करके बेटा ये आपकी जो नदी है ये नदी आती है और अरब सागर में ये आपकी गिर जाती है। ये आपका पाकिस्तान है मान लो बगल में आपका, ये कौन सा क्षेत्र है आपका बेटा? ये पाकिस्तान है। क्लियर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये जो आपकी नदियां हैं ये नदियों की खासियत क्या है कि एक एक पॉइंट को आप समझते रहना है। अभी तक क्या बताया? मानसरोवर झील से बोखरचू एक स्थान है, उसी के निकट मानसरोवर झील है, उसी से निकलती है, दमचौक नामक स्थान पे भारत में प्रवेश करती है और ये आपका चिल्लड़ या जो ददरिस्तान में एक स्थान है चिल्लड़, वो ददरिस्तान या चिल्लड़ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद बेटा ये जा करके कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में ये नदी आपकी जा करके गिर जाती है। और आपके पेपर में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ सिंध नदी अपना मुहाना किस सागर में बनाती है, तो आप कहोगे भैया ये आपकी अरब सागर में मुहाना अपनी बनाती है। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो बेटा आपका जो हाँ सर अयोध्या में हैं हम लोग, घर में अनुशासन में रहते हैं। हाँ घर में अनुशासन में रहते हैं तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ो आप। इसके बाद जब ये बेटा आपकी जो नदी है, जब ये आपकी जब तक तिब्बत में रहती है, ध्यान से देखिएगा, ये नदी आपकी तीन क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। इसका जो आपका मैक्सिमम क्षेत्र है वो आपका पाकिस्तान में है। क्लियर? सबसे आपका अधिकतम याद रखे रहेगा इसे तिब्बत के क्षेत्र में। देखो ये जो आपका तिब्बत के क्षेत्र में जो ये नदी आपकी बेटा प्रवाहित हो रही है, सिंध नदी को तिब्बत के क्षेत्र में याद रहना है, रखना है आपको। इसी नदी को हम लोग सिक्यांग नाम से भी जानते हैं, कभी भी अगर आपके पेपर में आता है, या इसी को सिंगी खबान के नाम से भी जानते हैं, दो तीन नाम इसके मिलते हैं। तो अब हम एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे। ये जो बेटा आपका दमचौक है, दमचौक से ये प्रवेश करती है कहाँ पे? भारत में प्रवेश करती है दमचौक। और ये जो तिब्बत में बेटा, जब तक ये तिब्बत में प्रवाहित होती है तब तक इस नदी को हम लोग बोलते हैं सिंगी खबान नाम से। क्या बोलोगे? सिंगी खबान। ध्यान से देखते चलिएगा, ये बेहद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। क्लियर है? बढ़ जाए बेटा आगे। एक एक फैक्ट को आप देखते हुए चलिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब आपके पेपर में आएगा सिंगी खबान किस नदी को कहा जाता है, तो बेटा सिंध को कहते हैं। कहाँ कहते हैं?
इसे हम लोग तिब्बत के क्षेत्र में कहते हैं। मानसरोवर झील और दमचौक के बीच में ये तिब्बत में प्रवाहित हो रही है, वहाँ पे इसे सिंगी खवान के नाम से भी जानते हैं। दमचौक से ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है, इसके बाद चिल्लड़ या ददरिस्तान जो आपका लिखा है वहाँ से ये पाकिस्तान जाती है और अरब सागर में जा करके ये अपना मुहाना बनाती है। इतना फैक्ट अभी याद रखे रहिएगा। और आगे देखिएगा, जब आपको हम पढ़ा रहे थे क्या, जब आपको हमने पर्वत श्रेणी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था बेटा, हमने कहा था कि जो आपकी सिंध नदी है ये एक तरफ आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी है, एक तरफ आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी थी, लद्दाख और आपका जास्कर के मध्य में से हो करके ये प्रवाहित होती थी। इसको हम लोग बोलते थे लद्दाख पर्वत श्रेणी, याद होगा आपको। और नीचे क्या होता था आपका, जास्कर पर्वत श्रेणी होती थी। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से ये नदी आपकी प्रवाहित हो रही है, आप देख रहे होंगे बीच से होकर के ये नदी आपकी प्रवाहित हो रही है, बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान में क्या रखोगे, अभी तक केवल हमने क्या बताया, अब आपके पेपर में देखो नदी से रिलेटेड क्या आएगा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है बेटा, तो सिंधु नदी मानसरोवर झील किस स्थल से, बोखरचू नामक स्थल से। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सिंगी खबान के नाम से जानते हैं। भारत में किस स्थान से प्रवेश करेगी, दमचौक। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है, तो लद्दाख और जास्कर। पाकिस्तान में किस स्थान से अंदर आती है, तो चिल्लड़ या ददरिस्तान। पाकिस्तान से प्रवाहित होकर के बेटा ये अरब सागर में जाएगी, अरब सागर में अपना ये मुहाना बनाएगी। मुहाना का मतलब होता है जहाँ पर नदियाँ जा करके गिरती हों उसे हम लोग मुहाने के नाम से जानते हैं, क्लियर। जहाँ ये नदियाँ जा करके गिरती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुहाने के नाम से बोलते हैं, क्लियर है। इसकी लंबाई याद रखना बेटा, इसकी जो आपकी कुल लंबाई है लगभग 2880 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, लगभग 1100 किलोमीटर की इसकी लंबाई जो है आपकी पाकिस्तान में है, बाकी जो आपकी लंबाइयां हैं वो आपके भारत में स्थित हैं। ओके बेटा, बढ़ जाए आगे, बोलो। ओके चलिएगा, अब इसी को हम लिखेंगे पॉइंट में। फिगर तो आपके सामने है ही है, फिगर आप देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा, फिगर आपके सामने है, लेकिन अब हम लोग कुछ फैक्ट लिखते हुए चल रहे हैं। फैक्ट को याद रखे रहिएगा क्योंकि फैक्ट ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले याद रखना है इसकी पहला पॉइंट, उद्गम मानसरोवर झील, मानसरोवर झील किसके निकट है, तो बोखरचू के निकट है, क्लियर है पहला चीज। दूसरा पॉइंट याद रखना है, तिब्बत में किस नाम से बोले थे, तो सिंगी खवान के नाम से जानते हैं, क्लियर। भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है, क्लियर। पाकिस्तान में चिल्लड़ या ददरिस्तान नामक स्थान से प्रवेश करती है। पहले पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट याद रखना आप लोग इसके बारे में, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, क्लियर। इतना पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा,
क्लियर नोट करते चलिएगा ताकि आपको कोई समस्याएं ना हो सके। चलिए भाई इतना नोट करो फटाक से। बोलो भैया बढ़ जाए आगे। अभिषेक चतुर्वेदी जी चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आप लोग स्पीड में लिखिए ताकि इस नदी को खत्म करें जल्दी से जल्दी। नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखिएगा कुछ फैक्ट नेक्स्ट पॉइंट में। चलिए आगे देखिएगा। ओके बेटा अगला फैक्ट देखिए सिंधु से ही संबंधित अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा अगले फैक्ट में। एक पॉइंट याद रखना बेटा कि यह नदी जो है आपकी जम्मू कश्मीर के लेह से गुजरती है। लेह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। लेह आप लोग नाम सुने होंगे जम्मू कश्मीर में और याद रखना इसमें कि जो आपका ये जम्मू कश्मीर है बेटा जो आपका लेह है लेह आपका एक जिला ही है। क्लियर। और लेह एक आपका शहर भी है जो आपका सॉरी दाएं है ये बाएं नहीं दाएं तट पर आपका ये बेटा स्थित है ये याद रखे रहेगा। और दूसरी खासियत याद रखना है सिंधु नदी के किनारे कराची मोहन जोदाड़ो हैदराबाद यहाँ भी है पाकिस्तान में भी है हैदराबाद शहर स्थित है। अगर आपसे पूछेगा किस खाड़ी में गिरती है बेटा तो ये आपकी कराची की खाड़ी में गिरती है। कराची की खाड़ी है कहाँ पे? अरब सागर में ही तो है आपका बेटा ये तो अरब सागर में गिरती है। क्लियर ध्यान में रखे रहिएगा। चलो भाई इतना जल्दी से लिखो। जल्दी लिखिएगा तो आगे बढ़ें। आप लोग नोट करो तब तक हम इंक डाल लें मार्कर में। चलो भाई जल्दी जल्दी लिखो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले नदी के बारे में चलते हैं बेटा। चलो इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिगर हमने आपको दिखा दिया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। थोड़ा सा एक एक फिगर को आप पढ़ते हुए चलिएगा ताकि कोई आपको समस्याएँ ना हो सके। चलो एक पॉइंट और इसमें आपको लिखा दें बेटा ताकि अगर आए तो आप कर ले जाओ। सिंध नदी इम्पॉर्टेंट है ही है। ध्यान से देखिएगा सिंधु नदी में बेटा आपको याद क्या रखना है कि सिंधु नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। चापाकार डेल्टा बनाती है पहला पॉइंट याद रखना। और सिंधु नदी वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है।
प्रतिरूप बनाती है। क्लियर। अभी ये बता दे रहे हैं डेल्टा क्या होता है, प्रतिरूप किसे कहते हैं, ये भी आपको बता दे रहे हैं। कुछ फैक्ट हैं, डायरेक्ट याद रखना, ये सब फैक्ट आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट याद रखना, आपको हमने बताया भी है, सिंध नदी नंगा पर्वत चोटी के निकट गहरा गार्ज बनाती है। ये सब पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं नंगा पर्वत के बारे में, पहले भी बताए हैं सिंधु नंगा पर्वत चोटी के निकट, सिंधु नदी गंगा नंगा पर्वत चोटी के निकट, शब्द छोड़ गया, के निकट गहरा गार्ज बनाती है। ये सब बता चुके हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरुआ चोटी के निकट गहरा गार्ज बनाती है। बोलो भाई, पढ़ाए नहीं पढ़ाए सब। अगला एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, इसमें प्रतिरूप हो गया। चलिए और एक पॉइंट और लिख लो, इसकी सहायक नदियां। पहले इतना लिखो तब आगे बढ़े, एक एक पॉइंट करके। सिंधु नदी तंत्र हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हो गया है सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट ले, हाँ लेह से होकर के गुजरती, बेटा इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। बढ़े आगे, ओके माधुरी मौर्य, हो गया भाई। चलिए ध्यान से एक एक करके देखिएगा। सहायक नदी में बेटा याद रखना कि ये दो प्रकार के हम लोग सहायक नदी पढ़ेंगे, एक दाई तरफ से मिलने वाली और एक बाई तरफ से मिलने वाली। दाई सहायक नदी और बाई सहायक नदी, इसका मतलब क्या है कि बेटा कुछ नदियां ऐसी होंगी जो दाई तरफ से आकर के मिलेंगी, कुछ नदियां ऐसी होंगी जो आपकी बाई तरफ से मिलेंगी आकर के। क्लियर। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप याद रखे रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे सर दाएं बाएं क्या है, तो अभी हम दाएं बाएं आपको हम बताते हुए चल रहे हैं, लेकिन लिख लीजिएगा पहले। जैसे आपकी गिलगित हो गई बेटा, गिलगित एक नदी है, गिलगित नदी, श्योक नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, काबुल नदी, ये सब किधर मिलती हैं बेटा, ये सब आकर के दाएं से मिलती हैं। चेनाब नदी ये बाएं से मिलेगी, चेनाब नदी बाएं से मिलेगी। और याद रखना चेनाब के साथ में क्या रहती है, झेलम, ब्यास, सतलज, राबी, इनको मिला करके बेटा पांच नदियां दिखाई दे रही हैं। इन पांचों को एक शब्द में कहें तो इनको हम लोग बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं, पंचनद। चेनाब जा करके सिंध से तो मिलती है, लेकिन याद रखना चेनाब से कौन कौन मिलती हैं, तो चेनाब से झेलम मिलेगी, ब्यास मिलेगी, सतलज मिलेगी, राबी मिलेगी। बाई तरफ से जो आपकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है बेटा, वो आपकी कौन सी है, तो याद रखना वो आपकी चेनाब नदी है। क्लियर है, हाँ चेनाब नदी, चेनाब और उसकी सहायक नदियां। बढ़ जाए आगे, चलो भाई ये तो थी सहायक नदियां। अब आप लोगों को एक बार समझा दें थोड़ा सा डेल्टा क्या कहते हैं, और याद रखना थोड़ा सा इसके बारे में, डेल्टा के बारे में समझा दें, क्योंकि चापाकार डेल्टा क्या है ये सब थोड़ा सा आप जानते रहोगे तो कल ले जाओगे। देखिएगा डेल्टा बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपकी कोई नदी है तो नदी बेटा जब आपकी प्रवाहित होगी तो ये बताओ अपने साथ में अवसाद लेकर के बहेगी या नहीं बहेगी। अब कहोगे सर अवसाद क्या होता है, तो नदी जब प्रवाहित होती है तो अपने साथ में मिट्टी काटती ही काटती है, धूल, कण,
और गाद, जो कूड़ा कचड़ा रहता है आपका, इन सभी का मिश्रण रहता है, क्लियर। और ये मिश्रण ले करके बालू वगैरह जो काटती हैं उनको ले जा करके ये मुहाने पर जमा करती हुई चली जाती हैं। मुहाने पर ले जा करके ये क्या करेंगी बेटा, जमा कर देंगी। अगर ये मुहाने पर ले जा करके आपकी ये जमा कर देंगी तो ये आपका कहलाएगा क्या, डेल्टा। मतलब नदियों का अवसाद ले जा करके मुहाने पर जमा कर देना डेल्टा कहलाता है। जमा अगर कर रही है, ये जो जमाव के बाद जो आकृति बनी है वो डेल्टा कहलाएगी। अब डेल्टा में कई प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। कुछ डेल्टा आपके चाप के आकार के होंगे, इस प्रकार के जमाव होगा। अगर चाप के आकार में जमाव होता है तो चापाकार बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पंजाकार हो जाता है, कभी कभी डेल्टा का जमाव इस प्रकार से हो जाता है तो पंजाकार डेल्टा आपका बन जाता है। तो चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ये जो आपके डेल्टाएं बन रही हैं, इन डेल्टाओं की खासियत क्या है कि नदियों के प्रवाह के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा डेल्टा बनेगा। यहाँ पर याद रखना है कि ये डेल्टा है अवसाद का ला करके नदियों के मुहाने पर जमा करना, अवसाद है, ये डेल्टा कहलाता है। अगर जमा हो गई है तो जमा होने के बाद जो स्थलाकृति बनी है वो डेल्टा कहलाएगी। और इस डेल्टा का आकार भी अलग अलग हो सकता है। कुछ डेल्टा चापाकार होते हैं, कुछ डेल्टा पंजाकार होते हैं, कुछ डेल्टा आपके गाद के आकार के भी होते हैं। तो ये जो आपके आकार दिखाई दे रहे हैं उसके आकार के आधार पर भी डेल्टा आपके कई प्रकार से होते हैं। तो इसका जो आकार है वो कैसा आकार है, चापाकार डेल्टा का आकार है, क्लियर है। दूसरी खात एक शब्द लिखा है बेटा, वृक्षाकार प्रतिरूप लिखा है। प्रतिरूप का मतलब पैटर्न होता है। अगर आप किसी भी नदी को कभी भी, अगर आप लोग देखो GPS अपने मोबाइल में, जब कभी भी देखते हो आप लोग GPS वगैरह जब कभी भी ऑन करते हो और जब अपने मोबाइल में आप देखते हो मैपिंग, तो आपको दिखाई देता होगा बहुत सारी नदियां रहती होंगी, नीले रंग की बहुत सारी नदियां रहती हैं। इसमें आकर के बहुत सारी सहायक नदियां मिलती रहती हैं, ऐसे आपको डॉटेड दिखाई देंगे, क्लियर। और इन सहायक नदियों के भी सहायक नदियां होती हैं कई सारी। तो आप उस मोबाइल में जब देखते हो तो आपको देखने के बाद कैसा नज़र आता है, एक वृक्ष जैसा आकार नहीं नज़र आता है। तो भैया नदियों का जो जाल होता है वो जिस रूप में आपका आकृति या प्रतिरूप बनाती है, पैटर्न कैसा बना रही है, वो आपका कहलाता है क्या, प्रतिरूप। तो बताओ ये आपकी जो नदियां हैं सिंध, जो आपकी बेटा नदी है, इसको जब आप जूम करके या ऊपर से अगर आप देखोगे, कभी भी उपग्रहों के द्वारा लिया गया चित्र आप देखिए, तो उसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखने के बाद आपको कोई ना कोई आकृति नज़र आती है, क्लियर। तो ये आकृति आपकी वृक्षाकार प्रतिरूप में कहलाती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ, अगर ये आपकी मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदी है ये, तो कभी कभी क्या होता है ना कि इसको हम लोग जाल की प्रतिरूप बोलते हैं, जाल जैसा प्रतिरूप कुछ नदियां बनाती हैं। जैसे ये दो पहाड़ियां हैं, इन दो पहाड़ियों से अगर एक नदियां इधर निकलें, इस पहाड़ी से इधर निकल जाएं, तो ये जाल जैसी प्रतिरूप बना लेती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं जालीनुमा प्रतिरूप बोल देते हैं। कुछ नदियां पठारों से निकल जाती हैं, जब पठारों से निकलती हैं तो ये निकलने के बाद क्या करती हैं कि पहले पठार का चक्कर लगाती हैं, जब पठार का ये लोग चक्कर लगाते हैं तो वृत्ताकार प्रतिरूप बन जाता है। बात समझ पाए। कुछ नदियां जो होती हैं वो आपकी वर्गाकार बना लेती हैं, इस टाइप में आपकी आकर के आगे बनाएंगी, इसकी सहायक नदी इधर निकल जाएगी। तो इसको जब आप देखोगे, इसकी सहायक नदी आपकी दूसरी आकर के इससे मिल जाएगी, तो ये वर्गाकार प्रतिरूप के रूप में नजर आने लगते हैं। कहने का मतलब है कि सहायक नदियां किस रूप में आकर के जुड़ती हैं, उन्हीं जुड़ने के क्रम को ही हम लोग, उनकी जुड़ने के बाद जो आकृतियां बनती हैं उनको हम लोग प्रतिरूप कहते हैं। और इन प्रतिरूप को भी अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ प्रतिरूप आपको वृक्षाकार के रूप में मिलेंगे, वृक्ष जैसी दिखाई देंगी, कुछ आयताकार मिलेंगे, कुछ जालीनुमा आकृति के मिल जाएंगे। तो जैसे जिसका आपका प्रतिरूप रहेगा वैसे उनके प्रतिरूपों को हम आपको बताते हुए चलेंगे। देवांग पांडे जी, ओके भाई। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद ही डेल्टा होते हैं बेटा। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से जो आकृति बनती है वो डेल्टा कहलाती है, क्लियर बेटा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखे रहेगा। अवसाद का लाना नहीं है, बल्कि अवसाद का ला करके जब जमाव करती हैं और जमाव के बाद जो आपकी स्थलाकृति बनती है उस स्थलाकृति को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलोगे, डेल्टा बोलो भैया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं तो आगे बढ़ें। बोलो भाई, बढ़ जाएं आगे।
बढ़े आगे भाई, कमेंट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ जाए। चलिए भाई चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। ये हमारी अभी पहली नदी थी, इस नदी को हम लोग क्या बोले हुए हैं, सिंध नदी के बारे में। अगली खासियत देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखो सिंध नदी के बारे में क्या क्या चीज जाने, पहले इसको याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई बेटा कितनी है, 2880 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी, ओके। और एक चीज ध्यान में रखे रहेगा, सिंधु नदी के बारे में हमने बताया क्या कि भूखा चू नामक स्थान से मानसरोवर झील से निकलती है, और ये जब तक आपकी तिब्बत में बहती है तब तक इसको सिंगी खुबान के नाम से जानते हैं। दमचौक से भारत में आती है, लेह से होकर के गुजरती है। इसके बाद फिर ये नदी आपकी जो है प्रवेश करेगी कहाँ पर, चिल्लर नामक स्थान पर, हमने बताया था ददरिस्तान में पड़ता है, वहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। इसके बाद पाकिस्तान से होकर के कराची हैदराबाद इसी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो भी इसी के किनारे है, फिर पहुँचेगी आपकी अरब सागर में। अरब सागर में एक खाड़ी है जिसका नाम है आपकी कराची की खाड़ी, वहीं पर जा करके अपना मुहाना बनाएगी। डेल्टा कैसा बनाएगी, तो हमने कहा चापाकार डेल्टा बनाएगी। प्रतिरूप कैसा बनाएगा, तो बिच्छाकार प्रतिरूप बनाएगा, ये भी बात हमने आपको बताया। साथ ही साथ में हमने कहा था इसकी सहायक नदियों के बारे में, कुछ दाएँ तरफ से मिलेंगी, कुछ बाएँ तरफ से मिलेंगी। दाएँ तरफ से जो आपके मिलती हैं, गिलगित थी आपके, इसमें काबुल थी, गोमल थी, कुर्रम नदी थी, ये आपकी नदियां दाएं से मिलती थी, लेकिन चिनाब और उसकी सहायक नदियां जो थी वो आपकी बाएं तरफ से मिलती थी। यहां तक हम लोग बात कर लिए थे, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगली नदी हमारी जो है वो है आपकी चेनाब नदी। अगली नदी है हम लोगों की क्या, चेनाब नदी। चेनाब नदी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। अभी तक हम लोगों ने एक नदी के बारे में पढ़ा है, वो भी कौन सी नदी थी आपकी, तो वो नदी आपकी थी सिंधु नदी के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, अगली जो हमारी नदी होगी, सिंधु नदी के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, याद रखना एक शब्द है आपका पंचनद। ये कई बार आपके पेपर में आता है, पंचनद में कौन कौन शामिल है, कौन कौन से शामिल नहीं है, तो याद रखना इसमें आपकी पंचनद में याद रखना कि इसमें आपकी सिंधु नदी है, चेनाब नदी है, झेलम है, राबी है, सतलज है। ये जो आपकी है नदियाँ, इन्हीं को मिला करके हम लोग पंचनद बोल देते हैं। इन्हीं पांच नदियों को पढ़ना है, आपका सिंध नदी तंत्र खत्म हो जाएगा। आगे देखिएगा, तो इसमें हम लोग सिंध के बारे में पढ़ लिए हैं, अब चेनाब के बारे में हम लोग को पढ़ना है, फिर झेलम, राबी और सतलज। जब ये पढ़ ले जाओगे फिर आपका खत्म होगा। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, तो सिंध नदी के बारे में आप लोग पढ़े। सिंधु नदी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से मानसरोवर झील, बोखरचू कई बार बता चुके हैं, अब रट गया होगा आपको। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी से होकर के आपकी गुजरती है, और ये आपकी कराची की खाड़ी में, या कराची की खाड़ी नहीं देगा ऑप्शन में तो आपको अरब सागर जरूर दिया रहेगा। क्लियर है? चलिए भाई सिंधु नदी के बारे में, हाँ सिंधु नदी के बारे में आपको इतना बता दिए हैं, और इतना आपके लिए बहुत भी है। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। एक दो तीन चार पांच, व्यास नहीं है, व्यास याद रखना इसमें पंचनद में, ध्यान से समझिएगा। व्यास जो है बेटा वो सतलुज की ही सहायक हो जाती है, तो सहायक की सहायक नहीं, सतलज जो होती है इसी की सहायक ही है आपकी व्यास नदी। क्लियर, ये ध्यान में रखना इसमें, बाकी मुख्य नदी आपकी बड़ी सी है। अब आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी की सबसे पहले खासियत याद रखे रहेगा, जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे बताया था बेटा एक आपका दर्रा था, वो दर्रे का नाम था आपका बड़ा लाचा दर्रा। एक नाम था आपका क्या, बड़ा लाचा दर्रा। एक एक नाम को आप सुनते हुए चलिएगा, बड़ा लाचा दर्रा आपको पढ़ा चुके हैं, बड़ा लाचा दर्रा आपको इसके पहले भी हमने आपको बताया था। क्लियर है, ध्यान में रखे रहेगा। जो आपका ये बड़ा लाचा दर्रा है इसके बारे में थोड़ा समझिएगा, यहीं से हिमाचल प्रदेश में है ये आपका बड़ा लाचा दर्रा, ये तो जानते ही होंगे, कई बार बता चुके हैं। याद रखना यहीं से आपकी दो नदियां निकलती हैं छोटी छोटी, एक नदी का नाम है आपका चंद्र नदी, एक का नाम है आपकी चंद्र नदी, एक का नाम है आपका भागा नदी। दो नदियां हैं, ये दोनों नदियां बेटा आपस में जा करके पहले मिलेंगी, लेकिन याद रखना एक आपकी चंद्र नदी है और नीचे आपकी भागा नदी है, चंद्रभागा भी इसको आप कह सकते हो। चंद्रभागा की अगर हम लोग बात करें तो चंद्र एक नदी है, भागा आपकी दूसरी नदी है। चंद्र और भागा नाम से ये
दोनों नदियां एक तरफ से चंद्र निकलती है, एक तरफ से भागा निकलती है। दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश में एक आपका क्षेत्र है जिसका नाम है केलांग, केलांग में एक स्थान है जिसका नाम है आपकी ताड़ी। ध्यान से समझे रहिएगा, केलांग जो है आपका ये एक प्रकार की घाटी के रूप में भी है, और केलांग जो है आपका वहीं पर एक स्थल है जिसका नाम है ताड़ी। ये चंद्र और भागा दोनों मिलती कहाँ पे हैं, तो याद रखना ताड़ी या केलांग नामक स्थान पे दोनों मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश में ही है। ये भी स्थान कहाँ पे आपका है, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ये आपस में मिल जाती है, फिर इसका नाम हो जाता है आपका चेनाब। चेनाब नदी फिर इसके बाद आपकी प्रवाहित होते हुए फिर ये पहुँचती है आपकी पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जा करके ये किससे मिल जाएगी, तो ये सिंध नदी से मिलेगी। तो आपको हम यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि जो आपकी दो नदियाँ हैं, एक नदी का नाम आपका चंद्र नदी है, एक नदी का नाम आपका भागा नदी है। चंद्र और भागा नदी अगर आपस में मिलेंगी कहाँ पे, तो हमने आपको बताया ये केलांग में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी ये, केलांग में मिलेंगी। केलांग न दिया रहेगा तो ताड़ी एक लोकल स्थल है, वहाँ पे आपको दे सकता है। जैसे ही ये केलांग या ताड़ी में मिलती है, इसका नाम हो जाता है बेटा आपका क्या, चेनाब। क्लियर। चेनाब नदी के बारे में याद रखना कि ये जो आपकी नदी है, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से आपकी एक है। हाँ, सबसे ऊंचा रेलवे पुल अभी आगे लिखाएंगे, परेशान ना हो, करंट का है ये, ध्यान से देखते भी चलिएगा। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब तो ताड़ी नामक स्थल आपको याद हो गया होगा, अब देखते हैं अगली पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है इसमें। अब एक एक फैक्ट को हमको ध्यान से समझना है। उद्गम स्थल याद रखना, चंद्र और भागा के नाम से हो रहा है ये। मिलती कहाँ है ये स्थल आपको याद होना चाहिए। चेनाब के बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट लिखते हैं। उद्गम कहाँ से होगा, तो उद्गम आप याद रखना, उद्गम जो आपका हो रहा है वो आपका बड़ा लाचा दर्रे के निकट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन दर्रा बताएंगे, बड़ा लाचा, सिपकीला और रोहतांग। बड़ा लाचा से उद्गम होगा आपका चेनाब की, रोहतांग से रावी की। सिपकीला दर्रे की खासियत यह है आपकी कि इससे सतलज नदी भारत में आपकी प्रवेश करती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, चेनाब का अगर उद्गम स्थल पूछ ले तो याद रखना उद्गम में कहाँ से होगी ये, तो बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रे के निकट से होती है, निकट से होती है। क्लियर। और ये भी ध्यान में रखना, ये उद्गम अगर हो रही है तो किस नाम से है, ऊपर लिखा है चंद नदी और भागा नदी के नाम से होगी। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि चेनाब नदी सिंधु की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दे सकता है आपके पेपर में। चेनाब मिलती किधर से है, सिंधु से दाएं से मिलती है या बाएं से मिलती है, आपको हमने पहले ही बता दिए हैं कि सिंधु नदी जो है आपके बेटा, ये आपकी सिंधु से किधर मिलेगी, चेनाब नदी बाएं तरफ से। हमने कहा था जिस दिशा में नदी बहे, ध्यान से देखिएगा दिशा कैसे ज्ञात करोगे, जिस नदी में दिशा बहे उसी दिशा में अपना चेहरा करिए, और जो आपके बाएं से आकर के मिले वो बाएं बोली जाएगी, जो दाएं से अगर इधर से जा रही है तो सिंधु नदी, तो ये है आपकी। तो सिंधु की सहायक ज्ञात करना है, तो सिंधु नदी आपकी दिशा में बह रही है, उस दिशा में अपना चेहरा करो, बाएं से आकर के आपकी चेनाब मिल रही है, इधर से आपकी गोमल आती है, कुर्रम आती है, इधर आपकी गिलगित नदी आती है, स्योक नदी आती है, तो जो आपकी दाहिने से आकर के मिले वो आपका क्या हो जाएगा, दाएं तरफ से, और जो आपका बाएं से आकर के मिलेगी वो आपका बाएं तरफ से हो जाएगा। ओके, चलिए भाई बढ़े आगे। हाँ, ये पॉइंट याद रखना, और आपको हमने कल ही आपको बहुत सारी परियोजनाएं लिखाई थी, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमने कहा था बगलहारी परियोजना, बगलहारी परियोजना कल लिखा चुके, हमने कहा रिवीजन होगा यहाँ पे। बगलहारी परियोजना किस पर बनवाए थे, सलाल परियोजना, ये भी किस पर बना था, सलाल परियोजना, और दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर बना है, चेनाब नदी पर बना है। कल बताए थे इसको, आप कॉपी पलट के देखना। इसकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सहायक नदी कुछ ऐसी होंगी जो दाईं ओर से आएंगी,
दाईं तरफ से, कुछ ऐसी आएंगी जो बाईं तरफ से आएंगी, बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों लिख दे रहे हैं। अगर कभी भी चेनाब की दाईं तरफ से आने वाली नदियों के बारे में याद रखना, तो झेलम बेटा आपका जो है वो किधर से मिलता है, वो आपका आता है दाईं तरफ से, क्लियर। और राबी आपका नीचे से जा करके तब चेनाब से मिलेगी, सतलज भी आपका जो है सतलज भी जा करके बाईं तरफ से ही मिलेगी, क्लियर, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो बाईं तरफ से इसमें कौन कौन नदी मिलेंगी, तो बाईं तरफ से आपकी हो जाएगी राबी नदी, राबी नदी और हो जाएगा आपका सतलज नदी। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सिंध चेनाब की सहायक कौन है, तो भैया झेलम भी चेनाब की है और राबी सतलज भी चेनाब की ही है, बस झेलम दाईं तरफ से मिलेगी और बाईं तरफ से राबी नदी और सतलज नदी मिलेगी। चेनाब किसकी सहायक है, तो चेनाब आपकी सिंध की सहायक नदी है, क्लियर है। अविनाश कुमार जी, चलिए आप अविनाश कुमार जी, आपका वैसे तो हमने कमेंट पढ़ लिया है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं यार, नाम क्या करोगे टाइपर का नाम जान करके, कोई समस्या हो तो राम कुमार का तो नाम जानते ही हो आप लोग, उन्हीं से समस्या का समाधान आप लीजिए। टाइपर का नाम वैसे हमको भी नहीं पता बेटा, चलो पता करके आपको बता देंगे, परेशान मत होइएगा। तो चलो आज के लिए इतना कर लो, मैथ की क्लास आप लोग पढ़ लीजिए, इसके आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे, तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।